नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी छिपकली का आवाज करना क्या संकेत देता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। छिपकली का बोलना शुभ है कि अशुभ। यदि आप घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और अचानक से आपको छिपकली की आवाज सुनाई देती है तो यह बहुत अच्छा संकेत होता है और इसका अर्थ है कि आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है, जैसे कि आपका रुका हुआ धन वापस आ सकता है या फिर आपका बिजनेस के अंदर बहुत अधिक फायदा हो सकता है। घर में छिपकली का बोलना कैसा होता है। यदि आप घर में प्रवेश करने के बाद कई सारी छिपकली की आवाज सुनते हैं तो यह पहले की तुलना में काफी अच्छा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके कई सारे सोर्स से धन आ सकता है। यदि आपका कई जगह पर धन रुका हुआ है तो यह आ सकता है। कई सारी छिपकली की आवाज अधिक धन को व्यक्त करती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। छिपकली की झगड़ते हुए आवाज सुनाई देना। यदि आप देखते हैं कि दिन में या रात में दो छिपकली आवाज कर रही हैं और वे एक दूसरे से झगड़ रही हैं, तो यह अशुभ होता है। छिपकली का झगड़ना नुकसान का प्रतीक होता है और इसका अर्थ यह हो सकता है कि आपके घर के अंदर धन का नुकसान हो सकता है। आपको इस बारे में संभल कर रहना चाहिए। रात में छिपकली का बोलना कैसा होता है। दोस्तों, छिपकली अधिकतर रात के समय ही बोलती है और रात के समय छिपकली का बोलना अशुभ माना जाता है। छिपकली तब बोलती है जब बहुत शांति हो जाती है। यदि रात के समय आपको घर के अंदर कहीं पर छिपकली बोलती हुई दिखाई देती है तो इसका अर्थ यह है कि वह एकांत पसंद करती है। उसकी ध्वनि आपकी रहन सहन पर नेगेटिव प्रभाव डालती है। रात के समय यदि घर में छिपकली बोले तो उसे चुप करवा देना चाहिए, और यदि आप उसे चुप नहीं करवा सकते हैं तो आप लाइट ऑन कर सकते हैं या फिर शोर करने से छिपकली का बोलना अपने आप ही बंद हो जाएगा। छिपकली का बोलना शुभ है कि अशुभ। छिपकली का बहुत अधिक बोलना। यदि रात के अंदर आपको सुने कि घर में छिपकली बहुत अधिक बोल रही है तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि छिपकली को भोजन की आवश्यकता है। इस संबंध में मैंने कई बार देखा है कि जब कमरे में छिपकली फंस जाती है और उनको भोजन नहीं मिलता है तो वे बोलने लग जाती हैं। छिपकली छोटे कीटों को खाती हैं और यह कीट लाइट के अंदर आते हैं। इंसान जहां पर रहते हैं वहां पर यह कीट बहुत कम हो जाते हैं। इस वजह से छिपकलियों के लिए भोजन की कमी आ जाती है। तीसरे और चौथे प्रहर में छिपकली का बोलना। यदि आपको दिन में तीसरे और चौथे प्रहर में पूर्व दिशा की तरफ छिपकली बोलती सुने तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपके बिजनेस के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है। यदि आपका बिजनेस अब तक नहीं चल रहा था तो यह अब रफ्तार पकड़ सकता है। हालांकि इस समय छिपकली का बोलना सुनाई देना बहुत ही कठिन है, क्योंकि छिपकली अधिकतर शांत जगह पर बोलती है और घर में काफी शोर रहता है। घर से बाहर जाते समय छिपकली का बोलना। यदि आप घर से बाहर ऑफिस के लिए जा रहे हैं और आपको छिपकली की पूर्व, उत्तर, ईशान दिशाओं के अंदर बोलती हुई सुने तो यह भी बहुत अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी के अंदर तरक्की हो सकती है या फिर आपको कहीं पर अधिक धन लाभ हो सकता है। आमतौर पर यह आपके लिए शुभ संकेत होता है। खाना खाते समय छिपकली की आवाज सुनना। यदि आप सुबह के समय या दोपहर के समय खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपको अचानक से छिपकली की आवाज सुनाई देती है तो यह काफी अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। शुभ कार्य में छिपकली का बोलना। यदि आप किसी शुभ कार्य को करने की योजना बना रहे हैं या आप शुभ कार्य को करने जा रहे हैं तो यदि छिपकली बोलने लग जाती है तो यह अशुभ माना जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपना शुभ कार्य कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए और जब छिपकली का बोलना बंद हो जाए तो आप अपने भगवान के सामने जाएं और उनको प्रणाम करने के बाद ही वह कार्य शुरू करें।
इससे आपको उस कार्य के अंदर सफलता मिलेगी और आपके कार्य के अंदर जो बाधाएं आ रही थी वे अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।